के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दंडाधिकारी शनि कलयुग का एक ऐसा देवता जिनकी टेढ़ी दृष्टि अगर चाहे तो व्यक्ति को जमीन से आसमान तक पहुंचा दे, वरना आसमान से सीधा सड़क पर आकर पटक दे। देव हो, दानव हो या फिर इंसान, शनि के न्याय चक्र से बच पाना नामुमकिन है। और जो कि कर्म फलदाता कहे जाते हैं, और इसलिए ऐसा कोई नहीं जो शनि से ना डरे। शनि की सारे साथी और ढैया अपने आप में देखिए कितनी शक्तिशाली है, इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए। इनकी महादशा में या तो व्यक्ति हीरो बन जाता है या फिर पूरी तरह से जीरो हो जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अखंड भारत की ताकत के पीछे शनि का ही हाथ है। आज हम आपको बताएंगे कि आजाद भारत की कुंडली ऐसे वक्त में बनाई गई जिसमें खास तौर पे शनि की मौजूदगी देखी गई, या फिर यूं कहें कि भाई अखंड भारत की ताकत के पीछे शनि का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो आइए आपको समझाते हैं। तो आजाद भारत की कुंडली पे अगर सबसे पहले जाए तो देखिए इसमें लग्न वृष और राशि कर्क है। जन्म नक्षत्र पुष्य है जो शनि का नक्षत्र है। जी हाँ, तृतीय भाव में तमाम ग्रहों की युति से यहाँ लगातार उतार चढ़ाव रहा, लेकिन स्थिर लगन और शनि की कृपा होने के कारण भारत अखंड बना रहा। द्वितीय भाव में मंगल की उपस्थिति के कारण पड़ोसी देशों से तनाव रहा और युद्ध जैसी स्थितियां देखिए बार बार बनती रही। लेकिन देखिए बृहस्पति जो छठे भाव में है, उनकी कृपा से मंगल का कुप्रभाव काफी हद तक कम हो गया। भारतवर्ष की कुंडली का प्राण है शनि, जो अपनी मौजूदगी में भारत को उन्नति तक पहुँचा कर ही रहेगा। जी हाँ, ज्योतिष के मुताबिक भारतवर्ष की कुंडली उस समय के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ कुंडली चुनी गई थी, और इसको शनि प्रधान इसलिए चुना गया था ताकि लोकतंत्र मजबूत रहे, ना कि निरशंकु शासन। जो कि शनि देखे लोकतंत्र और न्याय के कारक हैं, इसलिए ये प्रयास करके शनि और बृहस्पति की स्थिति बेहतर चुनी गई थी ताकि भारत उन्नति कर सके। शनि की शुभ दिशा में ही भारत ने खाद्य पदार्थ, तकनीक और उद्योगों के क्षेत्र में अपार उन्नति की और आत्मनिर्भर भी हुआ। सौंदर्य प्रतियोगिताओं से लेकर खेल के मैदान तक और कला, संगीत, साहित्य में भी भारत ने अपना लोहा मनवाया। कुल मिलाकर हर क्षेत्र में भारत लगातार उन्नति कर रहा है, और समय के साथ साथ यहाँ के लोग भी जिम्मेदार होते जा रहे हैं। देखिए आज की तारीख में भारत की कुंडली में चंद्र में बुध की दशा चल रही है। ये दशा मिले जुले परिणाम देगी। राजनीतिक रूप से बड़े सारे परिवर्तन होंगे, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में समस्या होगी, शैक्षण और चिकित्सक संस्थाओं के लिए समस्या बढ़ सकती है, और देखिए इस दौरान बीमारी से निपटने में अभी भी काफी ऊर्जा खर्च होगी। इसके साथ साथ देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, हालांकि देखिए नियम बड़े सख्त होंगे, हर तरह की समस्या को देश आसानी से हल कर पाएगा। इसके साथ ही साथ तृतीय भाव के बुध की दशा में देखिए बड़े सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। क्षेत्र दलों के लिए समस्या का समय होगा, बड़ी पार्टियों को लाभ हो सकता है। अक्टूबर 2021 से लेकर मार्च 2022 का समय देश के बड़े उथल पुथल और बड़े बदलाव का समय हो सकता है। देखिए देश के ज्योतिषाचार्यों की माने तो जब जब भारत पर शनि की साढ़े साथी आएगी, देश न सिर्फ उन्नति के शिखर पर रहेगा, विकासशील छोटे देशों की मदद भी करेगा और अन्याय करने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर निर्णय लेगा।